फ्रेंड्स अभी हम आए जी यहाँ यूनियन कोऑपरेटिव हाइपरमार्केट है नादा दुबई में। हमने रूटीन की कुछ चीज़ें लेनी थी, ग्रोसरीज और दूसरी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि ये सुपरमार्केट कैसी है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से मिलती हैं। ये सारा सेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसमें आपको यहाँ से डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं और दूसरी जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ से बासानी मिल जाती हैं। आजकल काफ़ी डिस्काउंट्स भी इन्होंने लगाए हुए हैं, तो यहाँ इनका अपना एक कार्ड होता है, मेंबरशिप कार्ड, अगर वो आपके पास है तो उस पर स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं, उसकी मदद से आप काफ़ी चीज़ों पर डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इनके डायपर्स अगर कहीं ऑफर में लगे हुए हैं तो वो हम वो लेंगे। अनाया, व्हाट आर यू डूइंग? अफान, व्हाट्स गोइंग ऑन? सी, इसमें सारे के सारे कार्ड जो है ना अभी फेंके हुए हैं बाहर निकाल के। ट्राली का इतना फ़ायदा होता है कि इसमें आप ना सिर्फ चीज़ें रख सकते हैं बल्कि दो बच्चे आराम से इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो अभी हम आगे जाते हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डायपर्स हैं और कुछ ऑफर्स भी लगी हुई हैं। अभी ये मैंने लिया है लेकिन इसकी प्राइस का नहीं पता चल रहा, तो आगे हम ये स्कैनर लगा हुआ है तो स्कैनर में मैं इसकी प्राइस अभी चेक करता हूँ कि यहाँ पर इसकी प्राइस क्या शो हो रही है। 92 का। काफ़ी बड़ी है ये सुपरमार्केट, डिफरेंट इसमें पोर्शन बने हुए हैं। ये सारा कॉस्मेटिक्स वगैरह का सामान है यहाँ पे, शैम्पू इस तरह की चीज़ें, और बाहर भी इनका जो है ना काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। ड्यूड्रेंट्स पे भी आज इन्होंने लगाई हुई है ऑफर, तो ये मैं लेना था, मुझे वैसे भी 30% ऑफ लगा हुआ है। तो उससे बेहतर ये है क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं ये डीप नहीं है, हमने पहले ये लिया था लेकिन ये इतनी डीप नहीं है, लेकिन ये बड़ी डीप है तो इसमें खाना खाया जा सकता है आसानी से। यहाँ यूएई में एक और जो चीज़ होती है वो घरों में मोस्टली जो ना हम डिस्पोजेबल प्लेट्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी है फ्रेश मिल्क की, साथ में योगर्ट्स और इस तरह की चीज़ें जो ना आपको मिल जाती हैं आसानी से। यहाँ इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना इसकी सेटिंग की हुई है अंदर, मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, जैसे ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं और आगे फ्रोज़न आइटम इन्होंने रखे हुए हैं। इस साइड में पीछे बेकरी है और ये सारा जो है ना यहाँ पे ग्रिल्ड और सी फूड और बुचरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है, मतलब इसकी नेक्टर की और प्लम्स की। ये इस साइड पर शायद टर्की के लगे हुए हैं, टेंडरम का है, और इस साइड पर मैं नीचे देख रहा हूँ ईरान का, ये ज़रा बड़ा डब्बा है और ईरान के जो प्लम्स होते हैं ये काफ़ी जो है ना टेस्टी भी होते हैं, इनका टेस्ट जैसे इंडिया पाकिस्तान में मिलते हैं वैसा ही, और साइज़ में भी काफ़ी बड़ा ये। हम अभी ये ले गए एक डब्बा, ये ज़रा बेहतर नज़र आ रहा है। पोटैटो नज़र आए, दो तरह के पोटैटो हैं पाकिस्तान के, फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिले। मोस्टली जो है यहाँ पे इजिप्ट का पोटैटो आता है, अब ये स्वीट हैं या दूसरे हैं अब ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये इस तरह के मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको मीट मिलेगा हर तरह का, डिफरेंट कंट्रीज का होता है यहाँ पे। चिकन जो है ना, ये इनका जो चिकन है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत सॉलिड होता है, अदरवाइज़ मार्केट से जो चिकन मिलता है वो टूट जाता है पूरा। ये चिकन आपको पता करता हूँ मेरी काट की थी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा चिकन है, मैंने लिया है यहाँ से ये, लेकिन अभी वेट कर रहा हूँ बंदे का, वो कुछ क्लीनिंग कर रहा है तो उसने बोला कि क्लीनिंग करने के बाद फिर वो आएगा और चिकन काट के देगा। चलें जी, अभी हमने ले लिया यहाँ से चिकन और अभी हम जाएंगे आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं ग्रोसरी की, तो उसके बाद फिर कुछ खाने पीने का भी सीन देखना है। यहाँ नीचे जो है ना अलबेक है, जो बहुत ही फेमस है, सऊदी ब्रांड है फूड का, तो मैंने सोचा कि वहाँ आज थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए अलबेक को भी। तो यहाँ से अब चीज़ें लेने के बाद फिर हम नीचे जाएँगे अलबेक में, मैं दिखाता हूँ आपको कि अलबेक कैसा है यहाँ का। यहाँ लोग ऑर्डर दे रहे हैं, वीडियो अलो नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी वीडियो बना के, अभी जाएंगे जाऊँगा मैं आगे और ऑर्डर प्लेस करूँगा। अच्छा जी, अभी हमने जो ऑर्डर किया है वो
दिखाता हूँ मैं आपको। इन्होंने यहाँ पे पेप्सी वगैरह नहीं देते, लेकिन इन्होंने जूस का दिया कि आज की जो हमारी ये ऑफर थी उसमें ये चीज़ें। ये इनका पैशन कोम्बो है, बहुत ही बड़ा है, ये दो लोगों के लिए यहाँ पे। ये बहुत बड़ा है, वैसे हमने दो ले लिए, समझ नहीं आ रही तो ये खत्म कैसे होगा, ठीक है एक बंदे के लिए तो नहीं है ये, तो इसके साथ चले मैनेज करते हैं इसको। इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि एक बॉक्स में ये बच्चों के लिए ये बेबी बर्गर, वाओ दिस इज फॉर फन, यू वांट टू ईट दिस, कैन यू ट्राई दिस, ठीक है ओके चले इसको खिलाते हैं ये। और इसके साथ साथ ये फिलेट्स होते हैं, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही टेस्टी होते हैं, हमने पहले भी ट्राई किया हुआ ये, वैसे बहुत फेमस है, बहुत चीप है ये, अगर इतना ही खाना आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट से लेंगे तो वो इसकी डबल कॉस्ट में पड़ेगा आपको। वाह बहुत मजे का ये, अभी ये मैं चेक करता हूँ। बहुत ही बैलेंस इसमें स्पाइसी भी और बहुत मजे का ये। अफान को फिलेट्स अच्छे लगते हैं तो ये फिलेट्स खा रहा है। अनाया भी काफी एंजॉय कर रही है। अच्छा फ्रेंड्स, अलबेक में क्योंकि उन्होंने मतलब पैकेज जो हमें दिया था खाने का, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं थी कुछ भी, छोटे छोटे जूस की दो बॉटल्स थी, वो बच्चों को पिला दी, तो हमने आके फिर यहाँ कैफेटेरिया से जो है ना ये लिया है। ये मोहितो है, बड़ा ही ज़बरदस्त स्पेशल होता है इनका, ये ब्लू लेमोनेड टाइप का, और ये बच्चों के लिए ऑरेंज जूस ले लिया, और ये है ये बबल टी कहते हैं इसको, और ये मेरा फेवरेट है, मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे तो ये ज़रूर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर जो मिंट है और आइस है और जो कोई फ्लेवर इसमें डला होता है बहुत ही मज़े का। ये मोजान रेस्टोरेंट, ये ब्रोस्ट इनका बहुत अच्छा होता है, और ये जो मोहितो लेमोनेड्स वगैरह ये इनके पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होते हैं, और ये काफ़ी जो है ना ये रिजनेबल है इसकी प्राइस भी, इसलिए मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ ये पीने के लिए।